नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। भीषण आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान, 30 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। हरदोई के पाली शाहबाद मार्ग पर परेली गांव में शुक्रवार की शाम को आग ने जमकर तांडव किया। यहां अज्ञात कारणों से लगी आग ने एक एक कर 30 से अधिक मजदूरों की झोपड़ पट्टियों को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस भयानक अग्निकांड में लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई, वहीं कई मवेशियों की भी मौत हो गई और ग्रामीणों के थ्रेसर और ट्रैक्टर भी जलकर राख हो गए। भीषण आग से गांव में कोहराम मच गया। लोग परिजनों को आग से सुरक्षित निकालने में लग गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन दमकल की गाड़ी 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची थी। पाली थाना क्षेत्र के परेली गांव के स्कूल के सामने कश्यप बिरादरी के लोग झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहते थे। शुक्रवार की शाम को अचानक लेखपाल कश्यप के घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर एक एक कर 30 से अधिक घरों को अपनी जद में ले लिया। भीषण आग से गांव में कोहराम मच गया। लोग परिजनों को आग से सुरक्षित निकालने में लग गए, जिससे 3 मवेशियों की जलकर मौत हो गई। वहीं 2 ट्रैक्टर, 1 थ्रेसर भी आग की भेंट चढ़ गए। अग्निपीड़ित ग्रामीणों ने रोते हुए बताया कि पहने हुए कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि अनाज, नकदी, कपड़े, बर्तन व जेवर इत्यादि अब सब कुछ खाक हो चुका है। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश राय ने बताया कि आग कैसे लगी इसके बारे में जानकारी की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब कोई यहाँ पाली कितनी दूर है? पाली 6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर दूर है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर हो रही। 2.5 घंटे बाद पुलिस आई है। हाँ, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कमलेश। आप यहीं रहते हैं? हाँ। पुलिस कम से कम 2 घंटे बाद आई। यहाँ पाली है कितना दूर? पाली 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, 2 घंटे बाद पुलिस आई है। हाँ, फायर ब्रिगेड का अभी तक कोई पता नहीं। फाइव ग्रेड अभी तक आई नहीं? कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? गुरपति सिंह। आप यहीं रहते हैं? हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ सहयोगी संवाददाता अमरपाल सिंह की रिपोर्ट।